हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक आपके साथ दिल की बात करने का है। दिल की बात ये है कि बहुत बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे गोल्ड गुरुकुल चैनल पे भी जुड़े हैं कुछ बंदे और प्रॉपर्टी गुरुकुल पे भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मैं उनके बच्चों को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मैं उनको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है, एक बंदा मेरा जानकार, बहुत पारिवारिक रिलेशन है उनके साथ, उनके बहनोई ने आज से 15 साल 18 साल पहले सिर्फ 65,000 रुपये का कर्जा था उसके सिर, उसने सुसाइड कर लिया। छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे, दो तीन तीन साल के बच्चे थे, 3 और 5 साल का बच्चा, मतलब सुसाइड कर गया। और एक आदमी 2-2.5 लाख रुपए का कहीं लेन देन एट ऊपर हुआ हुआ किसी बंदे का, वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। हम यार बच्चों को क्या सिखा रहे हैं ये? क्या हम मतलब पैसे के ही सब कुछ, पैसा ही है हमारे लिए? या यदि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ ही गई है, आगे पीछे हो ही गया काम, या आपके सर ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा चढ़ ही गया, तो क्या मरना ही उसका हल है? या दूसरे वाले बंदे को जिसने आपका 2-2.5 लाख रुपया जिससे आपने लेना है, यदि उसको कोई दिक्कत आ गई 2-2.5 लाख रुपये लेने की दिक्कत, और आपके पीछे करोड़ों में हो, तो आप ऐसी बात करो कि मैंने तो सुसाइड कर लेना है तेरा नाम लिख के, ये क्या है? किस तरीके की परवरिश करा रहे हैं हम एज ए पेरेंट्स? मैं तो समझता हूँ इसको बहुत गलत बात है ये। यार पैसा तो एक छोटी चीज़ है, सामने पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसे के लिए बच्चा कहे मैं मतलब खुदकुशी कर लूँगा, और वो भी 2-2.5 लाख रुपया जो जिस जिनकी करोड़ों की जायदाद है, और दो मेरा ख्याल 1-2 लाख रुपये महीने की आमदन भी होगी उसकी। हमने क्या सिखाया उनको? मतलब पैसे का प्रभाव इतना ज़्यादा कबूल लिया है कि वो नुकसान करवाने को तैयार नहीं है। याद रखो, जो आदमी नुकसान नहीं करवा सकता वो आदमी फायदा भी नहीं ले सकता पैसे से। जो आदमी 65,000 के लिए सुसाइड कर गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के धक्के खाने के लिए दुनिया में, वो बंदा कब बड़ी सोच रख सकता है यार? सो हमने इन अपने बच्चों को, यदि आप एज ए पेरेंट्स इसको देख रहे हो, या आप एज ए बच्चे ही देख रहे हो, तो यार अपने आप को डिवेलप करो, या अपने बच्चों को भी डिवेलप कराओ। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं प्रॉब्लम आ जाए और बच्चों के पास उसका हल ना हो या कुछ ना हो, इन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के रखो यार। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।